नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एस्ट्रोलॉजी। मैं नीतू सिंह। दोस्तों, आज की वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये वीडियो है शिक्षा पे। अगर शिक्षा में अवरोध आ रहा है, किसी कारण आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही या फिर पढ़ाई रुक गई है, किसी ना किसी वजह से आपका एजुकेशन नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, एजुकेशन किसी ना किसी वजह से गैप हो रहा है, तो ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे शिक्षा में आ रहे अवरोध या शिक्षा में आ रही रुकावट दूर होती है। तो ये उपाय आपको मंगलवार वाले दिन से शुरू करना है। आपको क्या करना है, किसी भी मंगलवार वाले दिन जाकर जहाँ हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे आपको एक रामायण आपको चढ़ा आनी है। हनुमान जी के पास श्री रामचंद्र का जहाँ पूरा दरबार होता है, वहाँ पे जाके आपको एक रामायण का एक तरह से दान ही करना है। आपको उठा के वो रामायण नहीं लानी है, एक नई रामायण आपको खरीदनी है। मंगलवार वाले दिन शुक्ल पक्ष का कोई भी मंगल आप ले सकते हैं। उसके बाद उसी मंगल से आपको गणेश स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से शुरू कर देना है। आप देखेंगे कि आपकी जो पढ़ाई में रुकावटें आ रही हैं, आपकी पढ़ाई में जो अवरोध आ रहा है, आपकी एजुकेशन जिस वजह से भी रुक रही है, वो अवरोध आना, वो रुकावटें आना बंद हो जाए। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे ग्रह हमारी कुंडली में हमें खुद नहीं पता होता है किस ग्रह की वजह से हमारी चीज़ें रुक रही हैं, किस ग्रह की वजह से हम पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, हमें हमारी नॉलेज है, हम पढ़ाई में बहुत तेज़ है, हमारा दिमाग बहुत तेज़ चलता है, लेकिन उसके बाद भी हमारी एजुकेशन कम्प्लीट नहीं हो पाती। तो ये सब क्या होता है, ये कुंडली के जो ग्रह होते हैं, इन्हीं का सारा खेल होता है। तो ये उपाय आप एक बार करके देखिए, आपकी जो शिक्षा संबंधित जो भी समस्याएं हैं, वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी, और आपकी जो शिक्षा रुक रही है, वो आपकी रुकेगी नहीं, और आपकी शिक्षा अच्छे से पूरी हो पाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो जरा से भी पसंद आए, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय माता दी।